सिरौली में पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर एक महिला ने थाने में आत्महत्या की धमकी दी। इससे थाने में हड़कंप मच गया। कस्बे की एक महिला ने 3 दिन पहले शिकायत की थी कि उसका जेठ उस पर गलत नीयत रखता, उसके घर में घुस आता, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता। आरोपी के नहाते समय वो छत पर चढ़कर गंदे इशारे करता। महिला का पति दिल्ली में काम करता। शुक्रवार को महिला ने पुलिस से जेठ की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। जेठ ने उसके साथ मारपीट की, घर में घुस गया। महिला रविवार को तीसरी बार थाने पहुंची, कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है। मेरा नाम हिना है। कहाँ रहती हैं? मैं फरजन नगर की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आप एक तहरीर दी है? मामला ये है, मेरा आदमी रहता है परदेश में, और मैं घर पर आती हूँ। रहती हूँ, मेरा जेठ मेरे साथ बदतमीजी करता है और मेरे घर रात को मेरे घर घर में घुस गया, कपड़े फाड़ के मुझे कौड़िया भर के कमरे में ले जा रहा था, और मुझे धमकी दे रहा है कि तेरे साथ ऐसे करके रहूँगा तो अगले नहीं रहती है। मेरा आदमी प्रदेश में रहता है, मैं उन्हें बुलाऊँगी तो अपनी मेरी इज्जत जा रही है। मैं अपनी सास नंद को भी बुलाती हूँ तो मैं भी मार के भजा देता है। वो कहता है कि आप यहाँ से जाओ, आपका कोई आना नहीं, आप यहाँ नहीं आओगी, मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मेरे अकेलेपन का वो फायदा उठा रहा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने तहरीर दी अभी पुलिस द्वारा? मैंने कल दी थी, मैंने पुलिस को ही फ़ोन करके बुलाया था। मेरे पास फोन भी नहीं है, ये फोन मेरी सास का है, इससे फ़ोन कर मैंने पुलिस वालों को बुलाया, उन्हें कुछ नहीं किया। मैं आत्महत्या कर लूँगी और उसको सज़ा नहीं मिली, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा आदमी घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी करेगा, छेड़छाड़ी करेगा, मुझे कौड़िया भर कमरे में ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बुरी नीयत रखता है आपका जेठ? मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर फोटो खींचता है, कोई वीडियो बनाता है, छत पे जाती हूँ तो छत पे चला जाता है। बहुत गंदी नीयत है उसकी, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मजबूर आदमी दिल्ली है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर मैं उनसे कहती भी हूँ कि वो ऐसी नज़र कर रहे हैं तो उल्टा केस उन पर लगवा कर उन्हें भी फंसा देते। अगर बीवी से कहती है तो बीवी को भी मारता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए।